नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवड़िया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है और इस दौरान उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण पढ़कर इतिहास रच दिया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि मई 2019 में पीएम मोदी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला और उन्हें पूरी विनम्रता के साथ जनता की सेवा करने का मौका भी मिला। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिक की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं पर यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाई है। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है और महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हो रहा है। निर्मला सीतारमन ने इस बार रिकॉर्ड समय यानी कि 2 घंटे तकरीबन 40 से 45 मिनट का बजट भाषण दिया है। उन्होंने साफ किया है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को पुरानी की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि 5 से 7.5 लाख तक की स्लैब में 20% टैक्स देना होता है, लेकिन अब यह घटाकर 10% कर दिया गया है और 3 अन्य स्लैब में भी टैक्स घटा दिया गया है। फायदा पाने के लिए आपको 70 रियायतें छोड़नी होंगी। हालांकि इनकम टैक्स की नई दरें वैकल्पिक हैं, करदाता पुरानी और नई व्यवस्था में से चुन सकता है कि किस स्लैब के साथ वो जाना चाहता है। खराब स्वास्थ्य के चलते सीतारमन बजट भाषण के 2 पेज नहीं पढ़ पाई हैं। इंदिरा गांधी के बाद सीतारमन पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है। ड्यूटी एंड टैक्सेस लेवीड एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, वीएटी, द वैट ऑन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस टू इंडिया सर imports significant quantity of technical textiles worth $16 billion every year.